हाय फूडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज वापस से एक मदर्स रेसिपी के साथ वापस आते हैं, जो कि ट्रेडिशनल भरवा करेले हैं। और ये भी मेरी मम्मी की रेसिपी है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो वह चलिए शुरू करते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए ऑब्वियसली पहले करेले ही चाहिए, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के। एक बहुत बड़े साइज़ के आते हैं, छोटे साइज़ के आते हैं, तो ये जस्ट मिनिमम साइज़ के हैं। और उसके आगे पीछे जो है ना, उधर से मम्मा ने कट कर लिया, और ऊपर का जो पोर्शन है उसको इस तरीके से ग्रेट कर देंगे। और ये सारे ग्रेट करे हुए करेले इस तरीके के लगते हैं। और जो उसके छिलके छीले हुए हैं ना, वो भी हमें फेंकने नहीं हैं, उसको भी हमें संभाल के रखना होता है। अब क्या करेंगे, इन करेलों को बीज से इस तरीके से कट कर लेंगे, और कट करके इसके अंदर जितने भी बीज होते हैं ना, वो सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये सारे करेलों में से उसके बीज निकाल के सब रख दिए। अब इसको जिस तरीके से ये जो नमक है ना, उसके बाहर और अंदर दोनों प्रॉपर, मतलब पूरे करेले जो हैं वो नमक में हमें डुबो देने हैं एक तरीके से, और मतलब पूरी तरीके से नमक उसमें लपेट देना है। और जैसे ये एक दो करेले हमने किए, उस तरीके से आपको सारे करेले कर देने हैं। और जो उसके छिलके हैं ना, उन छिलकों में भी हमें नमक इस तरीके से, और बहुत सारा नमक डालना है। ऐसा नहीं, नमक डालने में कंजूसी नहीं करनी है, बहुत सारा उसमें नमक डालना है। और इस तरीके से उसको मैश करके, मिक्स करके इसको अब हम एक साइड में रख देंगे, और एटलीस्ट इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो तो ओवरनाइट रख दो, तब 2 घंटे में भी काम हो जाता है, कड़वे कभी नहीं होंगे करेले। ठीक है, अब ये हमारे हो चुका है टाइम। अब इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका नमक सारा निकाल दिया है। अभी बिल्कुल वॉश्ड है, मतलब बिल्कुल इसमें नमक नहीं है। अब हमने ये भरवा करेले बनाने के लिए मसाला तैयार किया हुआ है। ये है थोड़ी सी हमारी, सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है। ये है हमारी सौंफ पिसी हुई, ये है पिसी हुआ धनिया, ये है छोटी सी हींग, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची और खटाई। ठीक है, तो इतना सब हमने एक साथ एक प्लेट में लगा के रख लेंगे। मिर्ची आप अपने अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इस सारे पोर्शन को हमें मिक्स करना है, क्योंकि इसी से ही हमें भरवा करेले बनाने हैं। अब हम ये सारे मसाले जो हैं इनको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो ये मसाले मिक्स करेंगे ना, उसमें आपको ध्यान है, मैंने जो करेले जो छीले हुए थे उसका छिलका था, उसमें नमक मिलाया हुआ था, बट वो नमक मिले हुए छिलकों को हमने अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धो लिया था। अब ये धुले हुए छिलके हैं, इनको भी इसी मसाले में मिला देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। मतलब ये एक तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो इन छिलकों को भी फेंकना नहीं चाहिए। और जो हमारा कड़वा तेल था ना, मतलब सरसों का जो तेल था, उसको कड़वा तेल भी बोलते हैं, तो सरसों के तेल से एक तरीके से ड्राई पेस्ट टाइप का बना लेंगे। इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना, क्योंकि पानी डालने से ना फिर करेले ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो उसको तेल में इस तरीके से मिक्स करके बना लेंगे मसाला, तो ये कम से कम, मतलब ये महीने भर भी ख़राब नहीं होते, अगर आप इस पर पानी नहीं डालोगे तो। मतलब कहीं आपको लॉन्ग जर्नी पर जानी है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आराम से आप ये करेले चलते हैं, ख़राब नहीं होते। तो इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। अब जो ये हमने होल किया हुआ था ना करेलों में, अब इस तरीके से इसको अब हम भर लेंगे। गाइज, ये प्रॉपर मेरी मम्मी की रेसिपी है, इसमें कुछ भी मतलब कहीं से भी देखा नहीं है, बचपन से हमने ऐसे ही करेले खाए हैं। और आप इस तरीके से बनाओ, ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम सारे करेले जो हैं उसमें मसाले भर के रख लेंगे। अब ये एक ट्रेडिशनल तरीका है कि इसमें मम्मी क्या करती हैं, धागा बांध देती हैं, जिससे कि जो जब करेले हम बनाते हैं ना, तो ये मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, और खाते समय पूरा मसाला हमारे करेलों के अंदर ही रहता है। तो खाने से पहले बस धागा खोल देना होता है, अंदर आप खा लो। तो सारे धागे से बांधे हुए करेले हैं। अभी मैंने एक पैन लिया, पैन में थोड़ा सा ये सरसों का तेल लिया था, और उसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन के बाद में ये हमने डाली है थोड़ी सी हींग, और हींग डालने के बाद में इसी तेल में जब गर्म हो गया तो हमने डाल दी हल्दी। हल्दी ऑलरेडी हमने मसालों में डाली हुई है, इसलिए कम ही डाली है। अब ये जो हमारे प्रॉपर जो हमने प्रॉपर तैयार किए हुए हैं ना करेले, अब इनको डालते जाएंगे हम कड़वे तेल में। इसमें थोड़ा सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है नॉर्मल तेल से, क्योंकि ये डीप फ्राइड होते हैं। और इस तरीके से हमने जितने भी हमारे जो करेले थे उनको हमें थ्रेड में बांध बांध के प्रॉपर मसाले में बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। अभी आप जब भी खाओगे ना, एक एक करेला आप लेते जाओगे मनने के बाद में, तो ये बिल्कुल भी मसाला कुछ भी, अदरवाइज ऐसा होता है कि मसाला बाहर गिर रहा होता है, निकल रहा होता है, तो धागा बांधने से कभी मसाला उसका निकलेगा नहीं, और प्रॉपर जो हमें टेस्ट चाहिए ना, वो टेस्ट हमको मिलता है। पर इसको मिक्स करके अब हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। बस 5-10 मिनट बाद के बाद हमें चलाया, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना था, करेले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बस ये हमारे यमी बढ़िया टेस्टी करेले तैयार। अब इसको आप पूड़ी से खाओ, पराठों से खाओ, जिससे आपको अच्छा लगा उससे खाओ, और अपने घर में ज़रूर बनाना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।